हाँ भाई, ये क्वेश्चन दिया होगा एजब्लू में। हाँ कर लाए सब? हाँ भैया। लेकिन हुआ आप सभी? ना हुआ बेटा, हुआ नहीं या करा नहीं ये बताओ। करा ही नहीं, हुआ ही ना। टाइम ना मिला भैया, बोर्ड के एग्जाम भी देने जाओगे नहीं ये बताओ? नहीं देने जाएंगे, एक मिनट रुको। क्या इरादा है भाई, यहाँ पर देख लो। अच्छा मतलब तुमने पूछूंगी ये क्या है, किसका मान है? नितिन तुमसे बात करूँ भैया, ये क्या है, किसकी वैल्यू है? ये बारंबारता, संचय बारंबारता क्या है? संचय बारंबारता। अच्छा कैसे संचय बारंबारता भैया, इसकी कोई पहचान? पहचान बताई होगी ना कल निशिका, क्या था पता लगाएंगे भैया संचय बारंबारता है। चलो नहीं, इसमें जो वैल्यू है भैया वो नीचे वाली वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में आ रही है। जैसे चार दिन कितनी हो गई, ग्यारह, फिर कितनी आ गई, फिर चालीस, फिर क्या। लेकिन उसमें क्या होता, मान्य ऊपर चार होता है, तीन भी आ सकती थी, दो भी आ सकती थी, कुछ भी आ सकती थी, बड़ी छोटी कहीं भी आ सकती थी। तो इसका मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में तो क्या हो गई है, संचय बारंबारता। तो इधर क्या होनी चाहिए आपकी, बारंबारता, ठीक है। और बारंबारता की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, कौन बताएगा? नितिन बताओ, ये क्या है आपका चार। तो यहाँ पर क्या आगा, तो क्या करोगे भाई, ग्यारह माइनस चार कितना आ जाता है आपका सात। अच्छा उनतीस में से क्या घटाते हैं आप, उनतीस में से क्या घटाओगे आप, ग्यारह, क्या बचता है आपका अठारह। उसके बाद चालीस में से क्या घटाओगे, उनतीस, क्या रहा आपका ग्यारह। उसके बाद छियालीस में से क्या घटाना है आपको, चालीस कितना आया आपका छः। अब ये यहाँ पर इक्यावन माइनस छियालीस तो क्या आएगा आपका पाँच, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपने क्या करा होगा ये बताओ, ये इक्यावन है, आपने यहाँ एन बराबर इक्यावन लिखा होगा और एन अपॉन टू बराबर क्या लिखा बताओ, पच्चीस दशमलव पाँच, पच्चीस दशमलव पाँच। भैया ये कहाँ पर आएगा बताओ जल्दी, अरे बताओ कहाँ पर आएगा ये, तुम कहो भैया। यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, एच का मान बताओ कोई, क्या तो भैया एच का मान है आपको कितना पाँच। उसके बाद बात करें एल का मान कितना आपका, एक सौ पैंतालीस। एफ का मान कितना भैया आपका अठारह। उसके बाद करें एन अपॉन टू का मान तो आपको दे रखा है, सी एफ का वैल्यू क्या है आपकी उनतीस, बेटे ग्यारह, क्या है बेटे ग्यारह। अच्छा क्या निकालना है, माध्य। अब मुझे भैया नितिन नकल फॉर्मूला बता दे एक बार फिर से, नितिन बताओ फॉर्मूला क्या था, एल प्लस ब्रैकेट एन एन अपॉन टू एफ बता रहे हैं, एफ गोले बेटे सिर के ऊपर रखना होता है बेटे, पहली बार पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा, आप वीडियो देख लेना ठीक है ना, इससे पहली बार। अब यहाँ पर देखिए एल का मान कितना भैया बताओ, एक सौ पैंतालीस, एक सौ पैंतालीस प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू बताओ भैया नितिन, एन अपॉन टू की वैल्यू देख लो, इक्यावन है या फिर पच्चीस दशमलव पाँच है, पच्चीस बता दे, पच्चीस दशमलव पाँच। माइनस क्या घटाना हमें, ग्यारह, और एफ की वैल्यू कितनी है आपकी अठारह, और एच का मान पाँच। बताओ भाई क्या आया, घटाना क्या आया, जी आपका आया होगा भैया चौदह दशमलव पाँच बटे गुणा में क्या आया आपका। अब बताओ तुमने फिर क्या करा, क्या बेटे क्वेश्चन नहीं किया अभी तो, कह रहे थे हमने क्या क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन बहुत सुंदर भैया, कितने करा करा है, ठीक है भैया। ये कैलकुलेशन तुम्हें घर से करनी है, इसकी गुणा करो वैसा बात करनी है, ठीक है कर लोगे ना, एक मिनट गुणा कर सकते हैं, पाँच पंजे पच्चीस, पच्चीस का पाँच हासिल दो, चौदह पंजे सत्तर, सत्तर दो बहत्तर, सही है भैया अठारह चौक बहत्तर। अब फिर आपका पॉइंट लगाकर जीरो, फिर अट्ठारह इसको भाग करके इसमें ऐड कर लेना आपका आ जाएगा आंसर, नोट करो एक बार इसको।
यहाँ पर देखो भाई, भैया इज्जत का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया भी था, अगर तुम्हें याद हो तो। जब हम कौन सी विधि पढ़े थे पता, माध्य कल्पितमान विधि और प्रत्यक्ष विधि, जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तुमने देखा था भैया 118 फिर 126 फिर यहाँ पर 126 आना था, लेकिन हमारा क्या आया 127। तो भैया कोई मुझे ऐसा स्टूडेंट ये बता दो कि भैया फिर हमने क्या करा था, बताओ। हाँ आई बात समझ में, हमने क्या करा था भैया, इसे फिर पॉइंट में बदला था, कैसे कि भैया इसको हमने 117 कर लिया था, 117.5 और इसे क्या कर लिया होगा 126.5, उसके बाद इसे कितना करा होगा 126.5। अच्छा और यहाँ पर 100 था, यहाँ पर क्या लिख रहा था इससे पहले 35 लिख रहा था, 135.5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया 135.5 दशमलव पाँच, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 144.5। उसके बाद यहाँ पर तो ये आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर आएगा 171.5 और यहाँ पर 162.5 और यहाँ पर 153.5। चेक करो, अच्छा 144.5 बताओ ये क्या, ठीक है ना। जब आपका ये आ जाता है, अब मुझे कोई ये बता दो भैया नितिन आप, कि ये भैया बारंबारता है, संजय बारंबारता क्या है, जल्दी से बेटे जिससे पूछेगा वो बताएंगे। संजय बारंबारता अरे मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थी केवल अपने आप पे विश्वास रखो, अगर दूसरे पूछो बताओगे। अब यहाँ पर देख लो, अब संचय बारंबारता है क्यों नहीं है, संचय बारंबारता मैंने बताई थी वो हमेशा बढ़ते क्रम में होगी, 3, 5, 9, 12 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आ गया 12 से कम है ना, उससे कम यूँ आ गया, तो इसका मतलब घटते बढ़ते हैं, कहीं भी बढ़ रही है कहीं भी घट रही है, इसका मतलब ये क्या है बारंबारता। नितिन क्या कह रहे हैं, तो अब हम निकालते हैं संचय बारंबारता, संचय बारंबारता बताओ तो भैया कौन बताएगा जल्दी से, 3, 5, 8 उसके बाद क्या है भैया 17 और ये जोड़ के बताओ 29 और 5 34 और 4 और भैया 38 और 2 40। इतनी बात सभी समझ में आ गई भाई, गोलू समझ में आ गया अच्छे से, सब समझ में आ रहा असालू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया एन का मान कितना है आपका 40, तो गोलू एन अपॉन 2 का मान क्या होगा, कितना होगा भैया 40/2 20 दुनी तो कितना आ गया भैया 20। अब मुझे ये बता दो भैया 20 कहाँ पर होगा, सालू बताइए सालू बेटा सालू सालू बताओ 17 अच्छा 17-29 के पास, तो मुझे ये बताओ भैया सी एफ कौन सा होगा, 17 होगा ये क्या होगा भैया सी एफ, तो आप बताओ भैया क्या नाम है, निकेत नाम है निशिका, एफ का मान कौन सा होगा 12 यानी 1, 2, 3, 4 ये है ना, तो 1, 2, 3, 4 ठीक है, यानी ये है आपको क्या एफ, उसके बाद एल क्या होगा 40.5 और एच का मान बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एल का मान है 144.5, उसके बाद एफ का मान क्या है आपका 12 क्या है भैया 12 और सी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 17 उसके बाद क्या रहा है आपका एच का भी, अब मुझे बताओ तब ये एच का मान क्या होगा बताओ भाई, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन कौन कर सकते हैं एच का मान निकालना, बताओ भाई लो और इधर ना, हाँ भाई हमें तो यहाँ पर बेटा अभी तो पॉइंट मार रहा हूँ आपका, एक बार भैया तुम घटाना सीख लो ठीक है ना, देखो 5 में से 5 गया तो भैया 126 और 17 ही तो हैं, तो 126 में 17 गए कितने बचे 9, तो भैया एच का मान कितना आ गया आपका
अब तो नौ की गलती। अच्छा फॉर्मूला बता दो, माध्यक बराबर क्या लिखा है? L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। F गुणा H। अच्छा ये L का मान कितना है आपके पास? 144.5 प्लस N अपॉन 2 का मान कितना भैया? 20। और माइनस कितना घटाया आपने? 17। F का मान कितना है आपका? 12। और H का मान कितना बताया आपने? 9। ठीक है भैया, आप आ गया 144.5 प्लस 3/12 और गुणा 9। भैया 3 × 3 = 12। आपका आ गया 144.5 प्लस 9/4। ठीक है, अब भैया 9 को 4 से देते भाग, ठीक है ना। अब देखो जिसे भाग से बचना हो तो वो कैसा कर सकता? तो जैसे हमारे यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो 9/4 क्या है आपका? 4। अब हमें भाग से बचना है, कैसे बचा जाए तो क्या करते हैं, इधर नीचे 100 बना लो। तो 100 कब बनेगा? जब 25 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 25 से गुणा कर लो, यहाँ पर 25 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे 25 × 100। और भैया 25 × 9 नीचे कितने 0? 2 0। 2 0 होगी भाग है, सिंपल। तो बेटा उसके लिए पहाड़े याद होनी चाहिए आपके। तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पर देख रहा भाई? 144.5 प्लस क्या आ रहा? 2.25। तो कितना हो रहा है आपका? 146.75। आंसर चेक कर लो, यही है। तो भैया इसको अच्छे से नोट कर लो एक बार। अब भैया यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 5। देखियो 7 बेटे, 5 है क्वेश्चन। कहाँ ध्यान है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी किताब में देख लेते भैया? यहाँ पर देखो, संजय बारंबार तो निकालनी आती सब पे साल पहले। हाँ बताओ यहाँ पर क्या होगा? 14 निशिका 14 और 56 को जोड़ोगे यहाँ पर क्या होगा आपका? 70। उसके बाद यहाँ पर कितना आया? 130। अच्छा उसके बाद क्या आया आपका? 216। उसके बाद क्या आया? 290। कितना? 290। उसके बाद 352। 352 उसके बाद 400। अब भैया अगर आप इनको जोड़ दो तो ये भी कितना आएंगे आपके? 400। तो एन बराबर कितना है आपका? 400। तो एन अपॉन टू क्या होगा आपका? 200। डायरेक्ट लिख दो भैया। बोलो भैया उधर क्या देख लेते हैं बेटे, वहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर पक्षी उड़ जाएंगे। 400/2 यानी कितना आ गया आपका? 200। तभी ठीक है बेटे, तो यहाँ पर देख लो। अच्छा एन अपॉन टू का मान कितना आ गया आपका? 200। अब गोलू से स्टार्ट करते हैं। गोलू आप ये बता दो, यहाँ गोल गोल नहीं है, यहाँ पर 200 कहाँ पर आएगा? 130। अब बेटे जिस चिड़िया को देख रहे थे वो उड़ गई बहुत। हाँ भाई नितिन, 130। हाँ भैया इन दोनों के बीच में आ गया। तुम ये बता दो सी एफ कौन सा होगा इनमें बताओ नितिन। हाँ बिल्कुल नितिन, 86। तो भैया एच क्या होगा नितिन? एच क्या होगा? 500। भैया एच निकालना बता दो, कैसे निकालते हैं? जो जिसका तुम आईडी लगा रहे हो वो एल है, ठीक है ना। एच कैसे निकालते हैं भैया? इच्छा वाले में जाग वाला घटा कर, देखो 2000 में 1500 घटाएंगे कितना है आपका? 500। 2500 में 2000 घटाओ 500। तो भैया कहने का मतलब यो है, एच का मान क्या है आपका? 500 है। और एल का मान कितना बताया मैंने आपको? 3000 है। 1 2 3 4 ठीक है भैया। उसके बाद क्या करते हैं हम? एफ का मान कितना है आपके पास? 86। और सी एफ का मान कितना भैया? 130। अब एक बार बोलो बता सकते हो फॉर्मूला? चलो कल को याद कर लियो। ये बताएंगे अब सालू माध्यक का फॉर्मूला,
एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। वैल्यू बताओ भैया, एल का मान कितना है आपका? 3000 हो गया। प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू 200। मतलब पूछन दे करो 200। माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 130। एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 86। और गुणा में एच की वैल्यू 500। 3000 प्लस कितना बचना आपका? 70। गुणा 500 आपके आ जाता है। अच्छा, काट सकते हो भैया क्वेश्चन को? इस प्रकार काटते बताओ कौन कौन इससे आगे को कर सकता, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। बताओ अगर बेटे नहीं करता तो पहले आप इसको वैसे सिंपल वे में भी काट सकते, दो से भी काट सकते हो। कैसे? दो तिया दो पंजे दो चौक भैया कितना जाएगा? दो तिया, सही है। उसके बाद अब 35 की इससे आप गुणा कर दीजिएगा और 43 से कर दो क्या भार, तो यहाँ पर आता 3000 प्लस 5 पंजे 25, 7 से दो 5 से 15 दो 17 और भैया ये कितना जाएंगे आपके? 20 और ये यहाँ पर जाएगा। बताओ भाग तो ले लोगे? नहीं होगी भाग भी, तो इसे अच्छे से आप नोट कर लो और इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना नहीं करो नोट। यहाँ पर देखो भाई, मिटा दूँ मैं इसको? लिख लिया सबने? ना लिखा भाई, भाग कर ली। क्या आया? 406.97 बेटा 97 नहीं बोलते, 97। अब मेरी बात सुनो भैया, भाग तो ना करके दिखाने को बोलूँ? भाग तो कर लोगे ना हाई स्कूल में आ गए। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको जोड़ कर लिख सकते क्या भैया? देखो 3 है, 3 आराम से जाएंगे आपके इस प्रकार से दशमलव में 9। आंसर चेक करो भैया, यही है क्या? यही है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई बोलो बेटा, कल बच्चों तो बेटा तो हाँ भैया, कौन कह रहा है? बाल उन कटवा के इसमें सही आए क्या आज? अच्छा तो भैया बिरादर तो चलो कोई दिक्कत ना, लेकिन बेटा एज कर लो, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना? जिनका बिरादर ना हो वो ये क्वेश्चन कर हो जाए ना, हो जाएगा भैया? जो होता समझ में आ रहा ठीक ठाक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।